यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल में पूरे तरीके से मौसम बदल चुका है। जी हाँ, वो मौसम जो अब हिमाचल में आ रहा है वाकई पर्यटकों के लिए एक राहत की सांस लेकर आ रहा है, क्योंकि हिमाचल में कई जगह पर बर्फबारी हो रही है, कई जगह पर बारिश से मौसम खराब है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शिमला के नारकंडा की तस्वीरें और एक कुल्लू के मनाली की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहाड़ी इलाका है जहां पर इन दो तस्वीरों में बर्फबारी का नजारा आप ले सकते हैं। ये दो पहाड़ी क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के। उसके बाद दूसरी नीचे की दो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक नैना देवी की तस्वीरें हैं और दूसरी शिलाई की तस्वीरें हैं। नैना देवी और शिलाई मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आता है जहां पर बारिश हो रही है और मौसम बदल चुका है, तो ठंड ने दस्तक दे दी है। हिमाचल प्रदेश में हिमपात हुआ है नारकंडा मनाली में, इसके साथ ही चंबा में भी हिमपात हुआ, किन्नौर जिले में भी हिमपात हुआ है और कुल्लू की ऊपरी पहाड़ियों में भी हिमपात हुआ है। और दूसरी तस्वीर नैना देवी और शिलाई की है। नैना देवी जहां बिलासपुर में बारिश से मौसम खराब बना हुआ है, वहां शिलाई में भी सिरमौर जिले में आप देख सकते हैं कि मौसम का हालात कुछ ऐसा ही है। नारकंडा मनाली की तस्वीरें हैं जहां पर बर्फ पड़ी है और ये दो जो जगहें हैं, ये दो जो क्षेत्र हैं, पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षक के केंद्र है। ये नजारा मनाली के माल रोड का है जहां साल 2018 की पहली बर्फबारी हुई और सैलानियों ने इस बर्फबारी का खूब आनंद उठाया है। बता दें कि मनाली और उसके आसपास के क्षेत्रों में रात को बर्फबारी हुई, मनाली में लगभग 4 इंच तक बर्फबारी हुई है। वहीं मनाली घूमने आए सैलानियों के चेहरे बर्फबारी को देखकर खिल उठे। बर्फबारी के बाद मनाली का मौसम साफ हो गया। मनाली में इस साल की पहली बर्फबारी थी और नारकंडा की ये तस्वीर है, नारकंडा जहां पर गर्मियों में भी अधिक ज्यादा ठंड रहती है।